बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने डाटा इंफॉर्मेशन और ऑपरेशंस ऑन डाटा की डिटेल्स आपसे शेयर की थी। आज के लेक्चर में हम रिकॉर्ड्स, फाइल्स और फाइल की टाइप्स और फाइल ऑर्गेनाइजेशन को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंस रिकॉर्ड क्या है? अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड रिकॉर्ड। यानी दोस्तों, जब आप किसी भी प्रोडक्ट या पर्सन की मुख्तलिफ फील्ड्स को एक जगह गैदर कर लें एक सिंगल यूनिट के तौर पर, तो ये एक सिंगल यूनिट कहलाता है रिकॉर्ड। मिसाल के तौर पर किसी भी कंपनी में हजारों एम्प्लॉयज होंगे और कंपनी के पास हर एक एम्प्लॉय की कुछ इंफॉर्मेशन जरूर होगी। एम्प्लॉय नेम क्या होगा, उसका CNIC नंबर क्या होगा, एड्रेस, क्वालिफिकेशन वगैरह। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये किसी एक जगह उन्होंने कैप्चर की हुई होगी, इसीलिए ये कहलाएगा एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड। यानी कुछ रिलेटेड फील्ड्स जैसे के नाम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, CNIC नंबर वगैरह का मजमुआ जो कि एक सिंगल यूनिट के तौर पर मौजूद हो, जिसमें एक एम्प्लॉय की तमाम डिटेल्स मौजूद हो, ऐसी कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स को हम कहेंगे रिकॉर्ड। और दोस्तों, किसी भी कंपनी में एक एम्प्लॉय तो होता नहीं है, बल्कि कंपनी में तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर हजारों एम्प्लॉयज मौजूद होंगे। जैसे एक कंपनी में चार डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट, अकाउंट, एक्चुअल वर्कर्स एंड लोअर वर्कर्स। तो अगर मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट में 10 एम्प्लॉयज हैं, तो हर एक एम्प्लॉय का अपना रिकॉर्ड होगा कि उस रिकॉर्ड के अंदर उसका नाम होगा, CNIC नंबर, क्वालिफिकेशन, एड्रेस वगैरह। और एक डिपार्टमेंट में 10 एम्प्लॉयज हैं तो 10 रिकॉर्ड्स भी होंगे। अब अगर आप इन 10 रिकॉर्ड्स को एक जगह एक सिंगल यूनिट के तौर पर रखें तो ये कहलाएगा एक फाइल, जिसको आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं, जिसमें 10 एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड मौजूद होगा। इसीलिए दोस्तों, ये फाइल की डेफिनेशन देखिए। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड फाइल। यानी जब हम रिलेटेड फील्ड्स को सिंगल यूनिट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो ये कहलाएगा एक रिकॉर्ड। लेकिन जब हम एक ही तरह के मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स को एक जगह एक सिंगल यूनिट के तौर पर ट्रीट करेंगे तो फिर ये कहलाएगी एक फाइल। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि फाइल्स कितने किस्म की होती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो फाइल होती है वो होती है यूसेज पॉइंट ऑफ व्यू फाइल्स। दोस्तों, यहाँ यूसेज पॉइंट ऑफ व्यू से मुराद है कि एक फाइल को जब आप यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उस वक्त भी उस एक फाइल का की मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिनमें पहली कैटेगरी है मास्टर फाइल्स, उसके बाद है ट्रांजेक्शन फाइल्स और उसके बाद है बैकअप फाइल्स। आइए इनको बारी बारी डिटेल में पढ़ते हैं। मास्टर फाइल्स, these files are used to store information that remain constant for a long period of time। यानी दोस्तों, ये ऐसी फाइल्स होती हैं जिनमें ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह के डाटा को स्टोर करती हैं जिस डाटा को वो लंबे अरसे तक महफूज करना चाहती हैं। इसीलिए these files can never become empty ever since they created। यानी ये जो मास्टर फाइल्स होती हैं, इनमें हमेशा डाटा जरूर मौजूद होगा, क्योंकि ये वो फाइल्स होती हैं जो कि किसी कंपनी के आगाज से ही क्रिएट कर दी जाती हैं। और जो भी कंपनी और उसके फर्स्ट एम्प्लॉय या प्रोडक्ट की डाटा होता है वो इसमें स्टोर कर दिया जाता है। और जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है, मास्टर फाइल्स में भी मजीद डाटा रखती रहती है। इसीलिए वी कैन से कि ये जो मास्टर फाइल्स हैं, ये एक कंपनी की सबसे अहम तरीन फाइल होती हैं, जो कि कभी भी एम्प्टी यानी खाली नहीं हो सकती। और दोस्तों, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है, उसके एम्प्लॉयज और प्रोडक्ट्स में भी इजाफा होता है, तो डाटा में भी इजाफा होता है। और उसमें मजीद डाटा को स्टोर करने के लिए मास्टर फाइल्स को भी अपडेट कर दिया जाता है। यानी ये जो मास्टर फाइल्स हैं, दीज आर रीसेंट अपडेटेड फाइल्स। क्योंकि जो भी अपडेट आप डाटा पर करेंगे वो फौरी तौर पर आपकी मास्टर फाइल में उस डाटा को रख दिया जाएगा, जिसकी वजह से मास्टर फाइल भी अपडेट हो जाएगी। और यहाँ अपडेशन से मुराद है कि अगर किसी कंपनी का कोई एम्प्लॉय कंपनी छोड़ देता है तो उसके रिकॉर्ड को मास्टर फाइल से फौरन डिलीट करना। इसी तरह अगर कोई न्यू एम्प्लॉय आ रहा है तो उसके रिकॉर्ड को फाइल में ऐड करना। और अगर किसी के रिकॉर्ड में कोई तब्दीली करनी है, जैसे एक एम्प्लॉय है जिसके रिकॉर्ड में डेजिग्नेशन लिखी है डेवलपर और अब वो मैनेजर की पोस्ट पर आ गया है, तो मास्टर फाइल में उसके रिकॉर्ड को एडिट करना पड़ेगा। इसीलिए इसको रीसेंट अपडेटेड फाइल कहा गया है, जो कि एक कंपनी के करंट डेटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो दोस्तों, मास्टर फाइल के बाद जो सेकंड टाइप ऑफ फाइल है वो है ट्रांजैक्शन फाइल।
This file is used to store input data before processing. दोस्तों ये तो आप जानते हैं कि डाटा को पहले इनपुट दिया जाता है, फिर उस डाटा पर प्रोसेसिंग की जाती है. तो ये जो इनपुटेड डाटा है, ये जिस फाइल में रखा जाएगा वो फाइल कहलाएगी ट्रांजैक्शन फाइल. फिर जब डाटा प्रोसेस हो जाएगा तो उस प्रोसेस डाटा को ट्रांसफर कर दिया जाता है मास्टर फाइल में. यानी इससे हमें ये पता चला कि ट्रांजैक्शन फाइल एक टेम्पररी फाइल होती है, इसमें डाटा कुछ देर के लिए रखा जाता है जब तक कि वो डाटा प्रोसेस ना हो जाए. और जब डाटा प्रोसेस हो जाता है तो ट्रांसफर फाइल को एम्प्टी कर दिया जाता है, खाली कर दिया जाता है. तो दोस्तों ट्रांजैक्शन फाइल के बाद जो नेक्स्ट फाइल है वो है बैकअप फाइल. दोस्तों ये तो आप जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो है उसका डाटा. अब अगर ट्रांजैक्शन फाइल्स की बात करें तो उसमें रखा डाटा तो टेम्पररी होता है, जबकि मास्टर फाइल्स का डाटा परमानेंट होता है. और अगर दोस्तों किसी मास्टर फाइल को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, या अगर वो किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाए, तो यकीनन कंपनी का बहुत नुकसान होगा. इसीलिए एक और किस्म की फाइल्स को यूज किया जाता है जो कहलाती हैं बैकअप फाइल्स. और ये बैकअप फाइल्स दरअसल कॉपी होती हैं हमारी मास्टर फाइल्स की, और इनको बनाने का मेन मकसद होता है डेटा प्रोटेक्शन. कि अगर मास्टर फाइल का डेटा लॉस हो भी जाए तो आपके पास उसकी कॉपी मौजूद हो. और दोस्तों ये भी मास्टर फाइल की तरह परमानेंट फाइल होती है, इसमें रखा डाटा भी मुस्तकिल तौर पर महफूज रहता है. डियर फ्रेंड्स, ये जो तमाम फाइल्स हैं, दीस आर यूसेज पॉइंट ऑफ व्यू फाइल. इसके बाद है फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू फाइल्स. दोस्तों फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू में हर एक फाइल का एक एप्रोप्रिएट नेम दिया जाता है. तो ये नाम दो पार्ट पर मुश्तमिल होता है, फाइल नेम डॉट फाइल एक्सटेंशन. दोस्तों फाइल नेम से मुराद है इसमें हम ये बताते हैं कि जो फाइल हम बनाने जा रहे हैं उसका नाम क्या होगा, और फाइल एक्सटेंशन में हम ये बताते हैं कि जो फाइल हमने बनाई है वो किस टाइप की फाइल है, किस किस्म की फाइल है. और ये फाइल एक्सटेंशन वो सॉफ्टवेयर असाइन करता है जिस पर आप वो फाइल बना रहे होते हैं. जैसे अगर आप एमएस वर्ड पर कोई फाइल बनाएंगे तो उस फाइल का सेव करने के बाद आपको जो एक्सटेंशन मिलेगी वो मिलेगी .doc. और याद रखिए फाइल नेम और फाइल एक्सटेंशन को सेपरेट करने के लिए हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं. और दोस्तों ये जो फंक्शनल फाइल्स हैं इनको भी दो पार्ट्स में डिफाइन किया जाता है, इनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, प्रोग्राम फाइल्स और डेटा फाइल्स. आइए इनको बारी बारी डिटेल में पढ़ते हैं. प्रोग्राम फाइल्स, दीज फाइल्स कंटेन सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस इन सोर्स प्रोग्राम फाइल्स एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स. यानी दोस्तों ये वो फाइल्स होती हैं जिनको प्रोग्रामर बनाता है. तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो तो हमने सी लैंग्वेज के मल्टीपल प्रोग्राम्स बनाए थे, और वो प्रोग्राम दरअसल कहलाते हैं प्रोग्राम फाइल, क्योंकि उन प्रोग्राम्स में हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी जिन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट होने के लिए सीपीयू रिक्वायर्ड था. तो ऐसी फाइल्स जो कि एग्जीक्यूट हो सके, जिनमें आप कोई टास्क परफॉर्म करवा रहे हो जिनको एग्जीक्यूट होना हो, तो ऐसी फाइल्स कहलाती हैं प्रोग्राम फाइल्स. के बाद है डेटा फाइल्स. दोस्तों डेटा फाइल्स इस किस्म की फाइल्स होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ डेटा को ही कंटेन करती हैं. यानी इसमें प्योर डेटा रखा हुआ होता है, और इन फाइल्स की मदद से किसी इंस्ट्रक्शन या किसी टास्क को परफॉर्म करवाना नहीं होता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ डेटा को स्टोर करना होता है. और अगर वो डेटा कोई ऑडियो या साउंड है तो उसकी एक्सटेंशन .mp3 होगी. इसी तरह अगर कोई टेक्स्ट डेटा है तो उसकी एक्सटेंशन .txt होगी. और अगर दोस्तों जिस किस्म का भी डेटा होगा उसी टाइप की एक्सटेंशन आपके डेटा के साथ मौजूद होगी, आपकी फाइल के साथ मौजूद होगी. यानी जिस किस्म का डेटा आपने अपनी फाइल में स्टोर किया होगा, एक्सटेंशन भी उसी टाइप की होगी, डिपेंडेंट अपॉन द सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग. तो डियर फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम और डेटा फाइल्स कहलाती हैं फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू फाइल्स. इसके बाद जो नेक्स्ट फाइल्स हैं वो है स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू फाइल्स. यानी किसी भी फाइल में डेटा को स्टोर या फिर डेटा को रिट्रीव किस वे में किया जाएगा, तो इसको कहा जाता है फाइल ऑर्गेनाइजेशन. दोस्तों फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी डिफरेंट मेथड्स मौजूद हैं, जिनमें पहला मेथड है सिक्वेंशियल फाइल्स. और दोस्तों ये इसकी डेफिनेशन देखिए, अ सिक्वेंशियल फाइल कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्ड दैट आर स्टोर्ड एंड एक्सेस सिक्वेंशियली वन आफ्टर द अदर. यानी दोस्तों सिक्वेंशियल फाइल्स इस तरह की फाइल्स होती हैं जिनमें डाटा को सिक्वेंशियली स्टोर किया जाता है. और सिक्वेंशियल से यह मुराद है कि सबसे पहले आप पहला रिकॉर्ड स्टोर करेंगे, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, एंड सो ऑन. इसी तरह डाटा को रिट्रीव भी सिक्वेंशियली किया जाएगा. मिसाल के तौर पर आपको रिकॉर्ड नंबर 6 को रिट्रीव करना है, तो
इसके लिए आपको 1 से लेकर 5 तक के रिकॉर्ड्स को पहले प्रोसेस करना होगा कि पहले आप फर्स्ट रिकॉर्ड को प्रोसेस करेंगे, इसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ, उसके बाद ही आप जाकर सिक्स रिकॉर्ड को रिट्रीव कर सकेंगे। चलिए दोस्तों, जो सिक्वेंशियल फाइल्स होती हैं इनका ड्रॉबैक यही होता है कि इनका प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद है रैंडम फाइल्स। दोस्तों रैंडम फाइल्स को डायरेक्ट फाइल या फिर डायरेक्ट एक्सेस फाइल भी कहा जाता है और यहाँ सिक्वेंशियल फाइल्स की तरह एक के बाद एक रिकॉर्ड को स्टोर या फिर रिट्रीव करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि आप डायरेक्टली फाइल्स को जिस लोकेशन पर वो रिकॉर्ड मौजूद हो उसको एक्सेस कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ क्योंकि हर रिकॉर्ड के मेमोरी एड्रेस के साथ एक की फील्ड जिसको इंडेक्स का नाम दिया जाएगा उसको यूज किया जाता है और ये इंडेक्स पॉइंट करता है उस लोकेशन पर जहां पर से आप रिकॉर्ड को एक्सेस करना चाहते हैं। जैसे इस डायग्राम में अगर हम रिकॉर्ड नंबर 4 को एक्सेस करना चाहते हैं और अभी हम रिकॉर्ड नंबर 1 पर मौजूद हैं, तो हम डायरेक्टली इस रिकॉर्ड नंबर 4 पर जंप कर सकते हैं। इसके लिए हमें इन तमाम रिकॉर्ड्स को बीच से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए इसका एक बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इसका प्रोसेसिंग टाइम सिक्वेंशियल फाइल्स की निस्बत काफी कम होता है। इसके बाद है इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल्स। दोस्तों इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल्स में दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, द की फील्ड ऑफ द रिकॉर्ड स्टोर्ड सेपरेटली अलोंग विद द एड्रेस ऑफ ईच रिकॉर्ड, यानी फाइल में रखे रिकॉर्ड के साथ साथ एक और फाइल रिक्वायर्ड होती है जिसमें की को और फाइल में रखे तमाम रिकॉर्ड्स के एड्रेसेस को रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यह है फाइल नंबर 1 जिसमें रिकॉर्ड्स मौजूद हैं और हर रिकॉर्ड के सामने उसका मेमोरी एड्रेस मौजूद है, और ये है दूसरी फाइल जिसमें हर रिकॉर्ड का पहला एड्रेस है और साथ के साथ उन रिकॉर्ड्स को एक की भी असाइन की गई है। जैसे यहाँ अगर आप 101 से लेकर और 105 तक के रिकॉर्ड्स को की नंबर आपने ए दे दी, इस तरीके से 106 से लेकर 1010 तक के रिकॉर्ड्स को की नंबर बी दे दी। अब इस की को देने का फायदा क्या होगा दोस्तों, आपको ये पता लग जाएगा कि जिस रिकॉर्ड को आप रिट्रीव करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, वो किस रेंज की कीज में अवेलेबल होगा। इसको एक मिसाल से समझने के लिए आप ये समझ लें कि एक जगह है जहाँ पर 10 बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और वहाँ उन 10 बिल्डिंग्स में मौजूद फ्लैट्स आपके अपने अपने एड्रेसेस हैं, और अब अगर आप किसी फ्लैट में जाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले पहली बिल्डिंग के अंदर जाएंगे, 1 by 1 तमाम फ्लैट्स के एड्रेसेस देखेंगे, फिर दूसरी बिल्डिंग में, फिर तीसरी बिल्डिंग में, यानी आपको हर एक बिल्डिंग के फ्लैट को सिक्वेंशियली चेक करना होगा अगर आप इन फ्लैट्स में से किसी एक घर में भी जाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम हर एक बिल्डिंग को एक नाम दे दें, क्योंकि यहाँ 10 बिल्डिंग्स हैं, तो पहली बिल्डिंग को हमने बिल्डिंग नंबर 1 का नाम दे दिया, इस तरीके से दूसरी बिल्डिंग को बिल्डिंग नंबर 2 को 2 का, और इसी तरह तमाम बिल्डिंग्स को 1 से लेकर 10 तक के बिल्डिंग का नेम दे दें, साथ के साथ रेंज भी बता दें कि बिल्डिंग 1 में एड्रेस नंबर 101 से 105 तक के फ्लैट हैं, इस तरीके से बिल्डिंग नंबर 2 में 106 से लेकर 1010 तक के फ्लैट्स मौजूद हैं, एंड सो ऑन। तो अब अगर किसी को इन 10 बिल्डिंग में से किसी एड्रेस पर जाना होगा तो आप सबसे पहले अपने एड्रेस की रेंज देखेंगे कि वो किस बिल्डिंग की रेंज में लाए करता है और डायरेक्टली उस बिल्डिंग में चले जाएंगे। यही कॉन्सेप्ट इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल्स के अंदर भी अप्लाई किया गया है कि अगर आपको रिकॉर्ड जिसको आपको एक्सेस करना है, वो मान लीजिए आपको रिकॉर्ड नंबर 1008 को एक्सेस करना है, तो आपको 101 रिकॉर्ड से 1 by 1 चेक करना नहीं हो, यानी अगर आप सिर्फ सिक्वेंशियली इसके ऊपर काम कर रहे होते, ये सिर्फ सिक्वेंशियल फाइल होती तो आप पहले 101 एड्रेस पर जाते, फिर 2 पर जाते, फिर 3 पर जाते, लेकिन क्योंकि हम इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल पर हैं, तो ये सबसे पहले इस फाइल नंबर 2 में जाएगा और देखेगा कि मेरा ये जो एड्रेस है 1008 ये किस की के अंदर लाए करता है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये लाए कर रहा है बी नंबर की के अंदर, तो अब ये जो बी नंबर की है ये पॉइंट कर देगा इस 1006 के एड्रेस को जो कि स्टार्टिंग एड्रेस है, और अब आपको 7 के बजाय सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स को ही सिक्वेंशियली प्रोसेस करना होगा। यानी पहले तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना होता अगर ये आपके पास फाइल 2 मौजूद नहीं होती, लेकिन अब क्योंकि आपको पता लग गया है कि जिस एड्रेस पर आपको जाना है, जिस रिकॉर्ड को आपको रिट्रीव करना है, वो किस की के अंदर लाए करता है, तो वो की डायरेक्टली आपको बता देगी कि आपको इस फर्स्ट एड्रेस पर चले जाएं, इसी के अंदर आपको मिल जाएगा वो रिकॉर्ड। तो अब आपको सिर्फ 1006
और 1007 मेमोरी एड्रेस को आपको प्रोसेस करना होगा, यानी सिर्फ दो मेमोरी एड्रेस को प्रोसेस करना होगा और फिर आप पहुंच जाएंगे 1008 एड्रेस पर। तो दोस्तों इस तरह से सिक्वेंशियल फाइल्स में आप कीज की मदद से रैंडमली और एड्रेस की मदद से सिक्वेंशियली रिकॉर्ड्स को रिट्रीव कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये था फाइल ऑर्गेनाइजेशन। आज के लेक्चर का यहाँ पर इख्तिताम हुआ, जिसमें हमने सीखा कि फाइल्स क्या होती हैं, रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, फाइल की टाइप्स क्या होती हैं। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, डेटाबेस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।